आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे ये हैवी डिलीवरी कौन ले रहा है फ्यूचर कंज्यूमर के स्टॉक में, यहां पर एवरेज करना चाहिए कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बिटवीन रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप डील। आइए चलकर विशेष करते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका डेप्ट। अगर आज की बात करें तो आज की तारीख में डेप्ट उनका ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी के। यहां पर डेप्ट का रेशियो 1 से बड़ा हो गया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 100% के ऊपर होना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग बात होती है। उसी के कारण से ये स्टॉक पेनी स्टॉक है, नीचे की तरफ को गिर रहा है। पर यहां पर डेप्ट से निकलने के लिए इन्होंने बात की थी कि सारा डेप्ट रिलायंस इंडस्ट्री लेगा और ये उनको अपना बिजनेस सेल करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर। पर अभी तक ट्रेडिंग हो रही है इस स्टॉक में, लार्ज इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। सीसीआई की उम्मीद है यहां पर कि वो अमेजन की डील को कैंसिल करेगी फ्यूचर कूपन के साथ और यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल की डील बेमशक्कत तैयार होके आगे चलेगी। आइए चलकर विश्लेषण करते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। लास्ट बल्क डील जो हुई थी यहां पर वो जून में हुई थी, जिसमें करीब 1.2 करोड़ शेयर खरीदे गए थे अर्चना फिनवेस्ट की तरफ से। अगर यहां पर बात करें तीन मुख्य बातें, देखिए 30% रिवेन्यू जो है फ्यूचर कंज्यूमर का वो फ्यूचर ग्रुप से बाहर आता है, ये बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ फ्यूचर ग्रुप पर डिपेंडेंट नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल बाहर पर डिपेंडेंट है। और यहां 6 रुपए का लेवल जो चल रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। टेक्निकली यहां से बहुत अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। अभी 6.65 रुपए भाव चल रहा है, आज भी करीब 8% के आसपास गिरा हुआ है। अगर वॉल्यूम देखें तो 44% की डिलीवरी हुई है, 80 लाख शेयर खरीदे गए हैं इस कंपनी के आज डिलीवरी के रेफरेंस में। सेंसेक्स थोड़ा सा नम रुक है 54,200, हो सकता है शाम तक जाते जाते उछाल लगाए। और यहां पर अगर आपने फॉलोइंग चैनल को फॉलो किया होता तो एक अटेम्प्ट किया था फॉलोइंग चैनल के बाहर निकल के जाने के लिए, ये देखिए ये यहां पर अटेम्प्ट किया बट इस अटेम्प्ट को फेल हुआ और यहां से ये थोड़ा नीचे जा रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है कि नीचे के हिस्से से पहले ही ये यहां पर बाउंस बैक करे। जो इसका लोअर लेवल है वो 6 रुपए के आसपास है, हमारी उम्मीद है। आज इसने 6.27 रुपए का लो बनाया है, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट पर देखें सबसे लो जो बना है रिसेंट का वो 5.85 रुपए। तो ये अब अपने बॉटम आउट सेक्शन के आसपास आ चुका है हमारे हिसाब से। यहां पर चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं, बशर्ता आपके पास 5% से ज्यादा इसकी होल्डिंग ना हो। अगर आप बुलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बैंड के लोअर हिस्से में 2 कैंडल बन चुकी है, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है। बैंड की विड्थ 33 है, यहां पर इतना सर्वाइव नहीं करेगा। अब उम्मीद है कि टेक्निकल बाउंस बैक भी आने की संभावना रहेगी और ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है। जैसे ही कोई सीसीआई की तरफ से अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर उछलेगा, हमारी उम्मीद यह है। तो ये एक अच्छा मौका है जिसमें हम ना कि बेच रहे हैं बल्कि खरीदने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। यहां पर मैकडी ने इसको सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है पिछले 1.5 महीने से टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, और साथ ही साथ में यहां पर एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर भी ये सेल सिग्नल जनरेट है। वोर्टेक्स इंडिकेटर 1.20 बहुत स्ट्रॉन्ग सेल बिजनेस बता रहा है यहां पर। हमारी रिकमेंडेशन ये लेवल यहां पर सेल करने का नहीं है, ये फेयर वैल्यू के लोअर एंड में है। यहां पर चाहे तो फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो फ्रेश एंट्री ले सकता है। 6 हफ्ते में 2.2 लाख रुपए का प्रॉफिट करने पेड मेंबर्स को। आप चाहें तो हमारे साथ पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख से ज्यादा कैश है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। 4 वीडियो प्रस्तुत है, जय हिंद, बाय।